अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो मैम, पार्टी आ चुकी है, वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये जिद पकड़ ली है कि जब तक परिवार का कोई भी सदस्य सामने नहीं होगा तब तक वो लोग डील साइन नहीं करेंगे। देखिए, हम आपसे कितनी बार कहे हम नहीं आ सकते, नामुमकिन है हमारा आना। प्लीज आप सब कुछ संभाल लीजिए वहाँ पर, हम नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर, क्या हुआ है उन्हें? स्ट्रेस की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच डॉक्टर। हाय रूपा, हम क्या करें तुम्हारे लिए? तुम्हें ऐसे देख के हमारा मन बहुत घबरा रहा है। जी जी, हम बच तो जाएंगे ना। ये क्या कर रही हो? दवाइयों के साथ साथ इससे भी बहुत मदद होती है। अब कहते हैं कि गर्म पानी में नमक डालकर उसकी सिकाई करें तो बहुत आराम मिलता है, सारी टेंशन चली आती है। जी, जो कुछ भी हुआ है आज तक उसके वजह से सबके सामने धानी बहुत मान बन गई है और हमें दूसरी औरत कहा गया है। सृष्टि, धानी ऐसा कुछ भी नहीं करी, ऐसा कुछ भी नहीं, प्लीज। ध्रुव जी, यही तो दिक्कत है ना, उसकी गलती किसी को नजर ही नहीं आ रही है, सबको बस हमें ही खोट नजर आ रहा है। इसलिए तो ध्रुव जी, हम आपसे दूर जाना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए ताकि आपका दर्द थोड़ा सा कम हो। सृष्टि, एक सेकंड, शायद हमारा फोन बज रहा है। एक सेकंड प्लीज। हमारा फोन स्विच ऑफ कैसे हुआ? हमने तो अपना फोन स्विच ऑफ ही नहीं किया। हमारे मैनेजर के बहुत सारे मिस कॉल्स और मैसेजेस हैं, हम जरा एक बार बात करके आते हैं। अब सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। जी शर्मा जी, आपके बहुत सारे मैसेजेस थे, क्या हुआ, सब ठीक तो चल रहा है ना? मीटिंग हो गई अच्छे से? नहीं सर, मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि धानी जी मीटिंग के लिए आई ही नहीं। लेकिन ये तो हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट था। जी सर, इसीलिए तो हम आपको भी फोन कर रहे थे, लेकिन आपका फोन बंद आ रहा था। I'm sorry, पता नहीं हमारा फोन कैसे ऑफ हो गया था, हमें पता भी नहीं चला। अब जो भी हो सर, लेकिन इन सब की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बात पैसों की नहीं है शर्मा जी, बात है इज्जत की। चलिए रखते हैं। धानी, तुम भी थक गई होगी, जाके आराम कर लो, हम देख लेंगे रूपा को। ओ, कलयुग की कुंभकर्ण। क्या हुआ? सोने का नहीं, जागने का समय है। धानी, रुक
रूप जी। तुम यहां बैठकर आराम से खाना खा रही हो और तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से आज 300 एम्प्लॉयज को खाना नसीब नहीं होगा सुकून का। रुची प्लीज थोड़ा धीरे बात कीजिए। डैडी प्लीज, अगर जिम्मेदारी निभानी नहीं आती तो प्लीज मत उठाया करो उन्हें। रुची प्लीज प्लीज धीरे बात कीजिए। वो यही दिक्कत है तुम्हारी थानी, यही दिक्कत है। तुम दुनिया के सामने महान बनने की कोशिश करती हो, दिखाना चाहती हो कि तुम परफेक्ट हो, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तुमने वो 30 दिन की चुनौती ली, जब कुछ ना हो पाया तुमसे, उसके बाद यहाँ से जाने की ठान ली तुम, और फिर जब तुम्हारी बहन हमारे सामने आकर खड़ी हो गई तो तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि तुम हमें बांट लोगी आपस में। आपके हाथ से खून निकल। पानी प्लीज, अपनी झूठी फिक्र अपने पास ही रखो। अगर जरा से भी चिंता होती ना हमारी तो ये सब नहीं करती तुम। तुम हमें अपनी बहन के साथ अकेले नहीं भेजती जो हमें अपना पति मानती है। देखिए, हम जानते हैं आप नाराज हैं क्योंकि हम मीटिंग में नहीं जा पाए, लेकिन हम इसीलिए नहीं जा पाए क्योंकि वहां सीढ़ियों से गिर गए, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। क्या मम्मी जी का दिल का दौरा पड़ गया? ध्रुव जी हम देख के आते हैं। दीदी आप जरा आराम से जाइए क्योंकि बहुत मुश्किल से सोई है वो। पता है हमें। सोई है ना वो? नहीं, वो कमरे में नहीं है। कहाँ है वो दादी? क्या जी, हम तो आज बहुत थक गए। बहुत गर्मी है बाहर। मम्मी जी आप ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? भोलेनाथ की कृपा से हम बिल्कुल ठीक है। अरे पूरे मोहल्ले के 2 चक्कर लगा के आए हैं हम, वो क्या कहते हैं, मॉर्निंग वॉक। लेकिन बात क्या है, तुम दोनों हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? हाँ